हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉर्थ ईस्ट ब्लॉगर्स। आज खासकर बटरफ्लाई के ऊपर ये एपिसोड हम लोग कर रहे हैं और अगले कुछ एपिसोड्स में भी आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ कितने प्रकार के बटरफ्लाईज पाई जाती है। तो जिस किसी ने भी आप लोगों में से हमारे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं उसके लिंक ऊपर हम लोगों ने शेयर कर दिया है। वन बाय वन वो लिंक आप लोग टच करके पर्टिकुलर वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं। आइए आने वाले कुछ एपिसोड्स में यहाँ पाए जाने वाले तितलियों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर पाए जाने वाले बटरफ्लाईज यानी तितलियों के बारे में जानने से पहले आइए हम लोग बटरफ्लाईज के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। बटरफ्लाईज या मोथ यानी तितलियां और पतंगे, ये नामकरण किया गया है लेपिडोप्टेरा नामक एक ऑर्डर के अंदर, जिसमें कुल 126 फैमिलीज हैं और सबको मिलाकर लगभग 180,000 से ऊपर स्पीसीज इनके पाए जाते हैं। अगर हम उसको अलग से देखना चाहें तो उसमें लगभग 17,500 के आसपास तो तितलियां हैं, जिसका एक अलग हिस्सा और भी है जिसे हम लोग अंग्रेजी में स्कीपर्स कहते हैं, जो लगभग 3,500 के आसपास उनकी प्रजातियां पाई जाती है, और बाकी का जो भी है वो पतंगे यानी मोथ कहलाता है, जिसका लगभग 1,60,000 के आसपास उनकी स्पीसीज पाई जाती है। और ये बहुत ही बड़ा एक प्रजाति है जो पूरे विश्व में काफी अलग अलग जगहों में भिन्न प्रकार में पाई जाती है। और गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 2002 से 2015 तक जितने भी सर्वे हुए हैं और जिन लोगों ने भी किया है उन्हें 210 से 211 स्पीसीज मिले हैं वहां। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 2016 से लेकर आज तक गिबन के अंदर पाए जाने वाले बटरफ्लाईज के ऊपर मैंने भी काम किया है। और इन 5 सालों में जब भी कोई गवर्नमेंट हॉलीडे जो या संडे की छुट्टी होती है, मैं अक्सर गिबन की ओर निकल जाता हूँ और वहां पहुंचकर वहां पाए जाने वाले तितलियों के ऊपर अपना खोज जारी रखता हूं। और इसी प्रकार काम करते हुए पहले 3 साल का जो मेरा डाटा है उसे अगर मैं जोड़कर देखता हूं तो लगभग 229 प्रजातियां मुझे अब तक वहां मिली है और लास्ट 2 साल का जो है उसका डाटा मुझे एसेस करना बाकी है। तो इन डाटा को एसेस करते हुए कुल कितनी प्रजातियां वहां पाई जाती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे बाद में। लेकिन जब बटरफ्लाईज के बारे में बात उठती है तो उनका जीवन शैली बहुत मायने रखता है, जो 4 हिस्सों में बटा हुआ है, अंडा, फिर लार्वा स्टेट, फिर कुकून स्टेट बनता है और उससे फिर बटरफ्लाईज बनता है। लेकिन जब भी एक बटरफ्लाई का जन्म होता है तो उसका जीवन काफी लिमिटेड होता है। कुछ बटरफ्लाईज तो केवल 12 से 18 दिन में मर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो काफी लंबा जीवन जीते हैं, बताऊंगा मैं आपको। नॉर्मली क्या होता है कि बटरफ्लाईज में से जो फीमेल बटरफ्लाई होती है उनका जीवन अंडे देने तक ही सीमित होता है, जो लगभग 1 से 2 महीना होता है। और जो मेल बटरफ्लाईज होती है जब तक उनका मेटिंग का जो सीजन है वो खत्म नहीं हो जाता है तब तक वो जीते हैं लगभग 1 से 3 महीना। लेकिन कई ऐसे भी प्रजातियां हैं जैसे कि ब्रिमस्टोन बटरफ्लाई जो लगभग 13 महीने तक जीती है और एक है मॉर्निंग क्रॉप जो लगभग 12 महीने तक जीती है। और लेकिन ये 2 प्रजातियां हमारे यहाँ नहीं पाई जाती है। और ऐसे भी कुछ बटरफ्लाईज हैं जो केवल 2 हफ्तों में ही गुजर जाते हैं, जैसे कि सबसे छोटी ब्लू टाइप की बटरफ्लाई होती है, ब्लूज कहते हैं उसे, सिलियट ब्लू वगैरह, वैसे कई भी ऐसे बटरफ्लाईज हैं जिसकी लाइफ स्पान काफी छोटी होती है। तो इन बटरफ्लाईज के बारे में जब आप जानना चाहोगे तो कई ऐसी चीजें हैं जो आपको जानकर काफी अच्छा लगेगा, लेकिन उन सब चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में फिर कभी बाद में जानेंगे। आज आइए कितनी प्रकार की बटरफ्लाईज यहाँ गिबन में पाई जाती हैं उसके विषय में हम लोग जानते हैं तस्वीरों के माध्यम से, जो मैंने इन 5 सालों में काम करते हुए कलेक्ट किया है। तो आइए इन तस्वीरों को देखते हुए वहां कितनी प्रकार की सुंदर सुंदर बटरफ्लाईज पाई जाती है इसके बारे में जानते हैं। Thank you.
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो में दिखाए गए तितलियों के 40 प्रजातियों में से कौन कौन सा आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत जल्द हम गिवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर अपना 6ठा एपिसोड ला रहे हैं, जिसमें और अलग 40 प्रजातियों के तितलियों को हम जानेंगे। और हाँ, आप लोगों में से जो भी आज हमारे इस वीडियो में नए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने यार दोस्तों के बीच शेयर करते हुए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ से आप परिचित रहें। धन्यवाद।